जो है वो बड़े अच्छे स्पेसिमेन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर बॉय सैयद सारंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद द ब्यूटीफुल एनिमल्स, और आज मैं एक टॉक शो में मौजूद हूँ जो कराची में इस वक्त हो रहा है 2021 में। और आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, मैं काफ़ी अर्से बाद वापस आया हूँ, और आई वॉन्ट टू ट्राई, आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट स्टाफ इंशाल्लाह ताला, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। एंड आई विल टॉक अबाउट ऑन बाद जाके, लेकिन इस वक्त आई वॉन्ट यू एक जर्मन शेफर्ड पे और जनरल डॉग जितने भी हैं, तो टू डिपार्टमेंट इनके पास। लेट मी शो यू हाउ दे आर वर्किंग एंड सी यू ऑन अदर साइड। थैंक यू। Inungulations, young hai, be quite young, aur isme jo ek lacking hai, with the passage of time, chances hai ki wo improve kar jaye. Agar wo improve karta hai, to uski positions bhi next shows mein improve kar jayega, inshallah. Congratulations. Ji, ye hamare paas golden retriever breed hai, jo ki aajkal bahut popular ho gayi hai, khaskar wo ek drama pichle dinon chala tha, uske baad ye Pakistan mein achanak se iski kafi wo aage. Basically working dog hai, retrieving dog hai. और ये कॉकर स्पैनियल और लैब्राडोर्स को नेक्स्ट क्लास जूनियर मेल फीमेल इंटरब्रीड करवाने के बाद ये ब्रीड क्रिएट की गई थी इंग्लैंड में। और क्योंकि जब आप हंटिंग पे जाते हैं तो हंटिंग के अंदर जनरली तीन डॉग्स को लेके आप हंटिंग पे जाते हैं, बर्ड हंटिंग पे, जिसमें एक पॉइंटर होता है, उसके बाद कॉकर स्पैनियल्स जिसे हम स्पैनियल्स कहते हैं वो होते हैं जो कि शफलिंग करते हैं, और जब आप शॉट डाउन करते हैं बर्ड को, गेम को, तो जो रिट्रीवर है वो उसको रिट्रीव करके वापस लेकर आता है। इसकी प्रोडक्टिव मूवमेंट थी, इसकी फ्रंट की रीच और इसका रेयर थ्रस्ट वाज वेरी वेरी गुड। और अपना टेल कैरी जो है वो बड़े अच्छे स्पेसिमेन है ब्रीड्स के अंदर। जिस डॉग को हमने एक्सीलेंट जी, आप इसको प्लीज अप्रिशिएट करें, वेरी वेरी गुड स्पेसिमेन। स्टॉक बोर्ड सेकंड जी, एक्सीलेंट, और वर्किंग करें इसके टेम्परामेंट पे तो ये और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अगर ये अच्छा परफॉर्म करता है तो हु नोस कि ये रेस पे लगा होगा। देन वी हैव जी, दिस इज अगेन अ वेरी गुड डॉग, इसकी नंबर 137, इसको एक्सीलेंट ग्रेड किया गया है। ब्यूटीफुल फ्रंट एंगुलेशन, एग्जैक्ट जो हम दो चीजें जो है उनको कंसिडर करते हैं जी। इसका नाम क्या है? उसकी एंगुलेशन गोपी, उसका एज क्या है अभी? 57, 43, 2 साल का है। नाइस, क्लोज टू दिस प्रोपोर्शन इसकी फ्रंट एंगुलेशन है। अस्सलाम वालेकुम लड़के, क्या नाम है तुम्हारा और इसका क्या नाम है? सिम्बा। क्या नाम है? सिम्बा। सिम्बा केज, क्या एज है इसके अभी? 15 साल इसकी एज। अच्छा, साइड कर लो यार, कितनी है, कौन सी एज है? 15 महीने। 15 महीने है ना, 15 साल तो नहीं मिला, 15 साल कैसे हो सकती है? अच्छा, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ डॉग इन कराची, और व्हाट अ सुपर्ब क्वालिटी मेल। कंग्रेचुलेशन क्लेयर विनर, नो मैच। एज क्या इसकी? 11 मंथ्स। यू लुक वेरी टेम, माशाल्लाह, वेरी नाइस। इंटेक वगैरह क्या लगती है? कैटलॉग नंबर, इंटेक क्या होती है बेसिकली इसकी? फूड इंटेक वगैरह, चावल गोश्त खाते हैं, 2 मील्स अ डे। कैटल नंबर 211, अगेन एक यंग डॉग, वेरी सबस्टेंशियल फॉर्म, नाइस, लुक वेरी नाइस, कीप इट अप यार। लैक ऑफ ट्रेनिंग, देखिए अभी गुंजाइश है कि इंप्रूव कर जाएगा। ब्यूटीफुल हेड, स्लाइटली लाइट आईज, वेरी गुड फ्रंट, टॉप लाइन बड़ी अच्छी है, लो सेट प्रूफ है। आई होप कि ये नेक्स्ट जो एज फेज है वो इतने के बाद पेसिंग। अस्सलाम वालेकुम लेडीज, मेरे साथ दो बॉयज़ हैं, आपका नाम सर? मैं हसन गिलानी बात कर रहा हूँ। हसन गिलानी साहब पहले ब्लॉग में आ चुके हैं, आप यूट्यूब ब्लॉग में जाके देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उनसे क्या बात हुई सर? आपका नाम? हमाद भाई। हमाद भाई और हसन भाई आए हुए हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद आए हुए कराची में हम लोग से मौजूद हैं, और मुझे बताएं कि थोड़ा इवेंट के बारे में बताएं, लास्ट इवेंट से अब इवेंट में क्या फर्क है, और आपने इस वक्त क्या डिफरेंट किया? सर लास्ट इवेंट जो था उसमें जो टॉप की क्वालिटी बहुत बट इस दफ़ा जो है वो हमें क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, और हमने बेसिकली लास्ट ईयर जो टॉप इस दफ़ा सिर्फ जर्मन शेफर्ड था, इस दफ़ा हमने इसको एक्सटेंड किया ऑल ब्रीड की तरफ
अभी गए हैं और दो रिंग लगाए हैं, जैसे कि आपने देखा है, एक हमारा ये जर्नलिस्ट पर शब्द का रिंग लगा हुआ है, दूसरा उस तरफ आप देखें तो वो ऑल ब्रीड का रिंग लगा हुआ है। इस वजह से जो क्वालिटी ऑफ डॉग है वो बहुत इंक्रीज हुआ है और मैक्सिमम डॉग जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका कहीं ज्यादा हम। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया? दो इवेंट एक पहली बार आया है, कौन से वाले बंदे हमारे पास देखा दोनों बंदे? बेसिकली हमारे दो जो क्लब है हम सेपरेटली चला रहे हैं, इसका एक जर्मन शेफर्ड है और एक ऑल ब्रीड और जो जर्मन शेफर्ड है उसमें स्पेसिफिक जर्मन शेफर्ड को हम जो है वो देख रहे हैं और उसके शोज को हम अरेंज करते हैं और उसमें शोज कराते हैं। जो ऑल ब्रीड है उसमें फिर सारी ब्रीड आ जाती हैं, लैब्रा है, उसके अलावा जर्मन है, रॉटवीलर है, उसके अलावा जितनी छोटी टॉय ब्रीड है, पग है, शिह ट्ज़ू है, ये सब ब्रीड है। तो जिनके पास हम पहले लास्ट ईयर जब हमने जर्मन शेफर्ड कराया था उसमें सिर्फ हमारे पास स्पेसिफिक ब्रीड आई थी जर्मन शेफर्ड। अब क्या हुआ है, अब जो ऑल ब्रीड कराने की वजह ये हुआ है कि जर्मन आया है साथ जितनी ऑल ब्रीड थी वो भी आ गई है, तो उस वजह से जो डॉग काफ़ी अच्छा बड़ा इवेंट हो गया। आप देख रहे हैं कि फैमिलीज बहुत आई हैं। ठीक है, जानिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात अच्छी लगी ना वो ये अच्छी लगी कि पहले, और मैं एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सरप्राइज हुआ लास्ट इवेंट में आया था, इट वॉज नाइस। मैं ये कह रहा था कि इस्लामाबाद लाहौर के इवेंट बहुत बेटर होते हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है लाहौर इस्लामाबाद काफी करीब पहुंचता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी हमारा यहाँ इस शो से पहले हमारा इस्लामाबाद में शो था, और मतलब कि इसमें और उसमें मतलब कि मेरे ख्याल से कोई 90-100 का फर्क रह गया, मतलब कि बहुत अच्छा ये शो हुआ, इसमें क्राउड बहुत अच्छा है। बेसिकली मेन जो रीज़न होती है ना अच्छा क्राउड लाने का, वो लोकेशन होती है। हमने DHA इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि एक अच्छा क्राउड है, जब अच्छा क्राउड किसी जगह पे होता है ना तो अच्छी ऑडियंस आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारी ऑडियंस आप देख रहे हैं, क्राउड वो कोई इस तरह का नहीं, सारी फैमिली नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गई है, अवेयरनेस हो गई है, क्या करना है। मैं देख रहा हूँ उनके दांत से लेकर मतलब कि फीट से लेकर बाल से लेकर एवरीथिंग इज वेरी सर बेसिकली मतलब चक्कर ये डॉग शोज का करने का मकसद क्या होता है, डॉग शो करने का मकसद ये होता है कि आप फैंसर को गाइड करें अबाउट द ब्रीड, अवेयरनेस देनी है ना आपने। यार एक बंदे के पास डॉग है उसने उसको वेल मेंटेन नहीं किया, आपने उसको बताना है कि भाई इसमें ये प्रॉन्स एंड कॉन्स है, इसको 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 इम्प्रूव करो ताकि वो नेक्स्ट जब आए तो वो पूरी तैयारी के साथ आए। तो बेसिकली मकसद यही होता है डॉग शो से कराने का, लोगों को अच्छा वेल ट्रेंड करना, उनको बताना, उनको ब्रीड के बारे में समझाना, हमारा डायरेक्शन बेसिकली दिखाना है एग्जैक्टली कि किस तरह आपने अपने पेट को पालना है, क्योंकि एक जानदार चीज़ है ना, आपने इसकी केयर करनी है, जितनी केयर आप इसकी करेंगे उतना अच्छा वेल डेवलप होगा। तो ये सीन है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे ज्वाइन करते हैं लोग। कीप इट अप, मुझे नेक्स्ट इवेंट आप लोगों इससे भी आपको नहीं नहीं चलो नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट होगा ना इससे भी बहुत हाई इंशाल्लाह लेवल का होगा। अच्छा लगा, थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट कॉल फॉर 12 टू 18 मंथ्स नॉन स्टॉप मेल एंड फीमेल। नहीं नहीं ये तो वो नहीं खोलता बेचारा, ये इसको इतना तंग करता है, ये कुछ नहीं करता। इसका नाम क्या है? इसका नाम मैक्स है, इसका नाम मॉस्को है, दोनों हमारे वेरी गुड शो। इसका नाम क्या है और उसकी एज क्या है? इसका नाम है गुची। गुची, ओके, 2 मंथ्स का है, बहुत एडोरेबल है यार, वेरी नाइस। एज क्या है, उसका नाम क्या है? जैक, सॉरी जैक, जैक। और एज क्या है इसकी? 20 मंथ्स। और इसकी इंटेक क्या ले रही है? फी ले रहा है इंटेक? नो, फी, फी ले रहा है। चलो, वेरी नाइस, गुड जॉब यार, नीट है, वेरी नीट। व्हाट्स हिज नेम? गबरू। व्हाट? गबरू। गबरू, देसी गबरू? ओह नाइस, आई लाइक द नेम, वाओ, आई ऑलरेडी लाइकिंग हिम। सेट, wow, you look very neat, good job. Iski age kya hai? Sit, age 5 months. Sit. Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, corona jaisa kya phaila hua hai, safety first, it's very important. Aur dog show is very nice. Is dafa ka dog show bahut acha hua, main hamesha kehta raha ki Lahore ke aur Islamabad dog shows bahut acche level pe hote hain, no doubt, bilkul acche level pe hote hain, lekin is dafa Karachi ka dog show is also very nice. Yahan pe dogs jis tarah aaye hue hain, is dafa mujhe lag raha hai ki jitne bhi dogs aaye hue hain unko care karne ka jo ek standard level aa gaya na, wo yahan ki society ko bhi aana shuru ho gaya hai. दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड साइन के प्रमोशन हो रही है चीज़ों की तरफ टूवर्ड्स गुड डीड्स. लेकिन एक तो मेरा सबसे बड़ा एक
कॉज होता हुआ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट. सम पीपल आर वर्किंग इन कराची ऑन दैट के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जिस तरह के स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कैटर करना, उनको मैनेज करना हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि स्ट्रीट्स पे जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे. वी नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन दैट. तो प्लीज़ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी आप अपने घर पे रख सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं. वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा? और मेरा अमन पठान. तुम्हारा नाम क्या है? अमन पठान. अमन पठान, अमन पठान. आप लोग यार डॉग शो कैसे एंजॉय करो? यू लाइक द डॉग शो? यस सर. डॉग शो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और सबसे अच्छा डॉग कौन सा लगा? सर हमें यहाँ पे नेचुरल ब्रीड्स देखने को मिली हैं. नेचुरल ब्रीड देखने को मिली हैं. तो अब तुम्हें कब सबसे कौन सा अच्छा लगा तुम्हें अभी तक? सर हमारा फेवरेट तो ये है कि लैब्राडोर है. लैब्राडोर ज़्यादा फ्रेंडली है. फ्रेंडली लगा तुम लोग को. और तुम्हारा कौन सा है? पग. पग. और आपका? जर्मन शेफर्ड. अच्छा लगे. चलो यू गाइस एंजॉय. तुम लोग के पास डॉग्स हैं अपने? तो डॉग्स में कोई भी एनिमल हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो. स्ट्रीट डॉग्स भी हो ना उनका भी आप ख्याल रखें. अगर कोशिश किया करो जेब में फूड थोड़ा फूड ले जाओ और ना उनको देते रहो. यू डू दैट. वेरी नाइस. गुड जॉब. नाइस मीटिंग. थैंक यू गाइस. सलाम मेसन भाई, वेलकम बैक. थैंक यू. थैंक. पहले आपकी जो बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात हुई कि लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था डॉग से, आप डिटेल एक पूरी ब्रीफ दी थी. आज मुझे बताया आज लोगों को किस तरीके से बताएंगे और क्या बताएंगे आज? आप लोग जिस तरह काम किए हैं किसी डिफरेंट. बेसिकली सबसे पहला तो मैं क्रेडिट दूंगा कि इन सब जो डॉग्स डॉग्स रखने वाले शौकीन इन्होंने माशाल्लाह से सीखा है. देखिए हम अगर सिखाते हैं तो सीखने वाले भी मुनस्सर होते हैं, क्योंकि तो इन्होंने बहुत अच्छा सीखा है. पिछले साल भी आपने देखा था और जो हालत थी इस साल बहुत अच्छा लोगों ने ना कम बैक किया और अच्छे क्वालिटी डॉग्स और विद ग्रूमिंग और विद ट्रेनिंग बहुत अच्छा काम किया. हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं. डू यू थिंक आप पहले इवेंट से जो सीखा है बहुत लोगों ने? बिल्कुल, ये आपके सामने ही है. पहले हमने जब आए थे तो हमने यहाँ पे क्वालिटी और डॉग्स नहीं देखे थे. उनका ग्रूमिंग और ट्रेनिंग का जो पोर्शन था वो भी लैक करता था. इस बार इन तीनों चीज़ों को इन्होंने ओवरकम किया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छे डॉग फैंसियर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे डॉग्स, अच्छी क्वालिटी, अच्छी लाइन और अच्छी ग्रूमिंग के साथ, अच्छी ट्रेनिंग के साथ डॉग को शो करा. डॉग परफेक्ट. अच्छा मुझे बताएं अभी जो इवेंट हो रहा है दो डिपार्टमेंट उन्होंने बनाए थे? जी बिल्कुल, एक होता है जर्मन शेफर्ड और एक होता है ऑल ब्रीड. बेसिकली जो जर्मन शेफर्ड है वो एक वेल नोन ब्रीड और नंबर ऑफ जर्मन शेफर्ड लोगों के पास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपके गोल्डन रिट्रीवर्स आ गए. ये लोगों का सभी कम है टेक्निकली. टोयोटा करोला है देखा जाए जी. कह सकते हैं कि ये शेफर्ड्स बहुत अलग है और शेफर्ड्स के अंदर क्वालिटीज भी बहुत ज़्यादा है, कैटेगरीज भी बहुत ज़्यादा है. कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है तो इसलिए कैटेगरिकली अगर हम शेफर्ड की जगह शुरू करते हैं तो सुबह से शुरू किया तो आपके सामने अभी ईशा भी होने वाली है और चल ही रहा है. मैं जी बिल्कुल चल रहा हूँ. और उस तरफ दूसरे एंड पे हमारे ऑल ब्रीड का शो है जिसके ना हमारे ऑल ब्रीड जिसके ना दे कवर ईच एंड एवरी ब्रीड. ठीक है. तो वो नंबर ऑफ डॉग्स उधर कम होते हैं, शेफर्ड ज़्यादा होते हैं हमेशा से. तो इसलिए वो एक अलग से स्पेशलिटी रहने लगता है शेफर्ड. ठीक है. जिसमें भाई देखें 2021 चल रहा है अभी. ठीक है ना. 2020 से निकल 2020 से स्टार्टिंग कर जान नहीं यार रिमेंबर सॉरी माय बैड. यस यस. अच्छा वैसे मैं थोड़ा सवाल है वैसे भाई अब जो है 2022 में लोग जो देख रहे हैं उन लोगों को थोड़ा गाइडलाइन बता रहे हैं कि किस तरीके से किस स्टैंडर्ड से आना है नेक्स्ट टाइम. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था और लोगों ने उसके ऊपर काम किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. हमेशा एक पेडिग्री डॉग किसी वेल नोन ब्रीडर से लें, किसी डीलर से मत लें, किसी एक्स वाई जेड किसी भी बंदे से मत लें. ठीक है. आपने लेना है एक वेल नोन ब्रीडर जिसका नाम हो मार्केट में, जिसकी प्रोजनी चलती हो, जिसकी ब्रीडिंग स्टैंडर्ड आपने रिंग के अंदर चलते हुए देखे हैं. ठीक है. आप अगर ऐसे ब्रीडर से पपी लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप धोखा नहीं खाएंगे. ठीक है. सही. अब जैसे लोगों ने यहाँ पे हमारे कहने पे अच्छे ब्रीडर से और अच्छे डॉग पहले के जिन्होंने अच्छी ब्रीड कराई है, इम्पोर्ट कराए हुए, लोकली ब्रीड कराई हुई है, उनसे डॉग्स लिए
आज हमने देखा बहुत अच्छी क्वालिटी के डॉग्स थे और हमें वाकई में बहुत खुशी हुई। देखिए जब एक जर्मन शेपर्ड रिंग में आता है और क्वालिटी जो पूरा होता है और जब वो रिंग के जो SOPs उसको फॉलो करता है, ट्रेनिंग के ऊपर भी एनाटॉमी भी उसकी परफेक्ट होती है और वो एक अच्छा परफॉर्म करता है रिंग में, यकीन माने बहुत खुशी होती है। ठीक है, उस डॉग को देख के, उसकी परफॉर्मेंस को देख के, और अप्रिशिएट करते हैं लोगों के अंदर और ज़्यादा ये मोटिवेशन आती है कि हम एक चीज़ है इससे, हम अगर एक मेल है तो हम दूसरी फीमेल ले लें, हम ब्रीडिंग पे आ जाएं। जब एक अच्छी मेल, अच्छा मेल और अच्छी फीमेल आप रख के उसको ब्रीड कराना शुरू करेंगे तो यकीन मानेंगे आप धोखा नहीं खाएंगे, खुद भी नहीं परेशान होंगे और आपसे जो लेके जाएगा। सलाम, क्या नाम है इसका? किंग। किंग, ओके। किंग की एज क्या है अभी? 18 months। और कब से इसको रख रहे हो अपने पास? जब छोटा सा तब से हमारे पास 3 months। 3 months इसको पाला हुआ है तो अभी ये कैसा टेम है? रिलैक्स रहता है?